हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर चैनल ऑन जापान। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको मेरे चैनल में। दोस्तों, मेरे काफ़ी व्यूवर्स ने मुझसे पूछा है कि EXR और EXB सर, ये कौन सी वीज़ा कैटेगरी है। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि EXR और EXB की जितनी भी कैटेगरी की वीज़ा है वो लोग जापान में अब इंटर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका वीज़ा जो है सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे ईमेल्स किए हैं, काफ़ी क्वांटिटी में मुझे ईमेल्स आए हैं। मैं ईमेल पढ़ा, मैं भी थोड़ा बहुत उन लोगों को रिप्लाई भी किया कि देखिए, आप मुझे अपने वीज़ा का फ़ोटो खींच के भेजिए तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आपके वीज़ा का कैटेगरी इन दोनों में से किस में है या फिर नहीं है। तो मुझे काफ़ी अभी तो फोटोज़ नहीं आए हैं, लेकिन चूंकि मैं ये वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि आपका जो वीज़ा का कैटेगरी है उस कैटेगरी में आता है कि नहीं। क्योंकि जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो 2021 के स्टार्ट में जो है इसकी कैटेगरी को जो है मान्यता नहीं दिया गया था, मतलब इंटर करने का मान्यता नहीं दिया गया था, मतलब इस कैटेगरी का जितना भी वीज़ा है वो सस्पेंड कर दिया गया है 2021 के स्टार्ट में ही कर दिया गया है। और फिर से जो अभी नया जो नोटिस आया है मोज की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की तरफ से, उसमें भी ये क्लियर लिखा हुआ है कि EXB और EXR की जो कैटेगरी है वो लोग नहीं आ सकते हैं जापान, मतलब उनका वीज़ा को सस्पेंड कर दिया गया है दोस्तों। तो वो उन लोगों को जिसके पास ये वीज़ा है उनको फिर से रीअप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब फिर से नया प्रोसेस होगा उन लोगों के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को मेरे काफ़ी व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझसे ये पूछा है कि सर, ये जो कैटेगरी होती है EXR और EXB, ये एग्जैक्टली है क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों में से कैटेगरी हमारे वीज़ा में है कि नहीं। तो मैं सिंपल सा फंडा है, बहुत ही आसान है, चूँकि आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि इसकी जो कैटेगरी होती है उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म, जितने भी स्टे होते हैं उसके अंदर ये दोनों कैटेगरी आती है। जैसे कि ये वर्किंग के अंदर भी ABC आता है, तो इसके अंदर EXR और EXB की कैटेगरी को रखा गया है दोस्तों। अब ये उनका इंटरनल है इमिग्रेशन का कि इनकी कैटेगरी का नाम EXR और EXB क्यों रखा गया, एक्सेम्पशन जो होता है, एक्सेम्पशन पे बेस पे जो है वीज़ा का शॉर्ट लिस्ट किया गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा वीज़ा जो कि EXR और EXV जिसके अंदर कैटेगरी आती है। तो सबसे पहले एक नंबर पे है वो है जापान का ई वीज़ा, मतलब जापान का ई वीज़ा जिनके पास भी है वो वैलिड नहीं है। दूसरा नंबर है दोस्तों टूरिस्ट वीज़ा, जिसके पास पहले से अप्लाई करके रखा हुआ था, यानी कि पेंडेमिक के पहले जिनका अप्लाई करके रखा था और जिनका एक्सपायर ऑलरेडी हो गया COE, और वो ये सोच रहे हैं कि अब नेक्स्ट टाइम मैं उनको अप्लाई कर दूँ, तो दोस्तों उनका फिर से अप्लाई नहीं होगा, आप उनको फिर से रीअप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा है दोस्तों बिजनेस वीज़ा, पेंडेमिक के पहले जिनका भी बिजनेस वीज़ा जिनका लिया हुआ था, जिनके पास COE है ऑलरेडी, वो भी नहीं आ सकते, बिकॉज उन लोगों को भी न्यू एप्लीकेशन देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अब कंडीशन पहले से अभी काफ़ी चेंज हो गई है, क्योंकि कोविड की वजह से नए नए लॉ आ गए हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो नए नए डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। चौथा है दोस्तों ट्रांजिट वीज़ा, यानी कि अगर आपके पास ट्रांजिट वीज़ा है, यानी कि जो आप एयरपोर्ट पर आके दूसरी कंट्री के लिए वहाँ से ट्रांजिट होते हो, तो वो भी वैलिड नहीं होगा दोस्तों। अगर किसी के पास है, या फिर कोई समझो कि साउथ कोरिया जाने वाला है और वो ट्रांजिट टोक्यो से ले रहा है, तो वो जो है नहीं जा पाएंगे। तो ये चार जो वीज़ा है दोस्तों, ये उस कैटेगरी में आते हैं EXR और EXV की कैटेगरी में। इसके अलावा एक और वीज़ा आता है दोस्तों, जो कि लिस्ट में नहीं है मेरे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। वो वीज़ा है कि सपोज़ अगर आप अपनी फैमिली को लेकर रह रहे हो जापान में, और आप अपने स्पाउस को 6 महीने के लिए बुला रहे हो या फिर 1 साल के लिए बुला रहे हो, तो दोस्तों वो भी जो है शॉर्ट टर्म में ही आएगा। काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म में है, तो उसका भी वीज़ा को जो है सस्पेंड कर दिया गया दोस्तों। तो आपका जो है कॉलम में लिखा रहेगा वैसे EXR या फिर EXB। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो, आपको समझ में नहीं आए, तो आपका जो COE है या फिर आपका जो वीज़ा है उसे आप फोटो क्लिक कीजिए और मुझे ईमेल कीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा कि सर आपका इस कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, आप जापान आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो, ये मैं आप लोगों को डिक्लेयर कर दूंगा दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे काफ़ी व्यूअर्स की ऑन डिमांड पे EXR और EXB के बारे में दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंचे जिनके पास जापान का वीजा या फिर COE है और उनके पास अगर इन्फॉर्मेशन या फिर जानकारी नहीं है तो उसे वो जानकारी मिल जाए। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। सायोनारा।